अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुर्ग द्वारा अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पहुंचे लगभग 400 विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुर्ग के बैनर तले दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में एक दिवसीय प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। गौरतलब है कि 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुर्ग द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसे प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदीप मेहता, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश मित्तल, आशीष कुमेटी उपस्थित हुए। साथ ही कार्यक्रम में करीब 500 की संख्या में शामिल हुए छात्र छात्राओं में से लगभग 400 विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान के अवसर पर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मातरम, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 9 जुलाई स्थापना दिवस को हम लोग आयोजित किया, जिसे प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में हमने दुर्ग जिला के समस्त आसपास के सभी गांवों और स्कूलों के और स्पोर्ट एकेडमी के छात्रों को हमने इस प्रतियोगिता में सहभागिता दी और उसे बुलाकर उन्हें हम लोग प्रतिभा सम्मान के रूप में कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हम लोग छात्रों के बीच में एक विद्यार्थी परिषद का नाम भी जाने का और छात्रों को भी उनके होने वाले जो भी समस्या सभी जो छात्रगत में आते हैं, छात्र इसमें जो पढ़ाई लिखाई के संबंधित समस्त छात्रों का निराकरण करने के लिए और छात्रों को विद्यार्थी परिषद से जोड़ने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया और 9 जुलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 9 जुलाई को स्थापना दिवस है। इस स्थिति में आज हम लोग कार्यक्रम किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्र हित, समाज हित और छात्र हित में पिछले 75 वर्ष अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग 75 वर्ष में राष्ट्र की पुनर्निर्माण की भावना को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें अपनी सहभागिता जो हमारे छात्र हैं, हम हैं, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार जोड़ेंगे छात्रों को? छात्रों को हम लोग कॉलेज कैंपस में जो समस्याएँ होती हैं उसको लेके आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। अन्य विषयों को लेके हम लोग समाज हित के मुद्दों पर नगर निगम में ज्ञापन देते हैं, उसको राष्ट्र हित पुनर्निर्माण में जो हमारी सहभागिता हो उसको एकत्र करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम लोग हमारा जो प्रयास रहता है पूरा रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।